Forgiveness eases us to tolerate our past life karmic reactions. ये क्या है? जब आपको कोई इमीडिएट रीजन नहीं दिख रहा है, कोई व्यक्ति बिना कारण आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा इस जन्म में, आप कभी उसके कुछ संपर्क में भी नहीं आए इस जन्म में, कोई लेना देना नहीं उस व्यक्ति के साथ इस जन्म में, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपके जीवन में कांटा बना हुआ है, तो समझ जाना चाहिए ये पिछले जन्म की कोई करतूत है मेरी, वहां से मैं इसके साथ सौदा करके आया हूं. सम पीपल लीड अस टू कृष्णा, सम पीपल किक अस टुवर्ड्स कृष्णा. हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, कि कई हमारा हाथ पकड़कर हमें मदन गोपाल जी के निकट ले आएंगे, देखो उनकी कृपा प्राप्त करो, हाथ पकड़कर खींच कर लाएंगे, और कई बार कई लोग होंगे पीछे से लात मारकर जा उधर. एंड रिजल्ट क्या है वो देखना है. एंड रिजल्ट है मदन गोपाल जी के सामने आप आए. अब ये देखना कि कौन आपको प्रेम से हाथ पकड़कर लेकर आया या कौन आपको लात घूंसे मारकर लेकर आया, वो कोई मायना नहीं रखता फाइनली, एंड एट द एंड दैट डजंट मैटर. बट द प्रेजेंट टाइम हाउ टू व्यू इट, जैसे हमने कहा बिना किसी कारण के आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बट दैट पर्सन इज अनवांटेड एंड इरिटेबल, देन अंडरस्टैंड दैट योर पास्ट लाइफ कर्मा हैज. अच्छा, इसमें ये बात समझना जरूरी है, इफ देर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट रिएक्शन देन डोंट ऑलवेज गो टू द पास्ट लाइफ. जैसे किसी ने रात को 12 बजे अगर सबसे तीखी मिसल खाई है और फिर सुबह जो तकलीफ होगी उसे उसके वजह से, सबसे तीखी वो लाल तर्रे वाली खाने के बाद जो सुबह बमबारी होगी, जो सुबह तकलीफ होगी, तो अब उसको ये मत लो कि मे बी माय पास्ट लाइफ कर्मा कुछ हुआ होगा ऐसे जिसकी वजह से, नहीं, इट्स पास्ट नाइट कर्मा. सो व्हेन देयर इज इमीडिएट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल यू डोंट हैव टू गो टू द रिमोट कॉज, इमीडिएट एक्सप्लेनेशन इज देयर. अब इसमें अगर हम द्रौपदी का उदाहरण लें तो देखो, जब उस असत सभा में दुशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचते हुए लाया और द्रौपदी सबसे पहले अपने पांचों पतियों की ओर देख रही थी आशा भरी नजरों से, और ये पांच पति साधारण नहीं थे. कल्पना करो, कोई भी साधारण सी पत्नी जब उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो सबसे पहले अपने पति की सुरक्षा उसे पुकारती है. यहां पर तो एक नहीं, दो नहीं, पांच पति, और वो भी जो अपने अपने एरिया के सबसे काबिल, भीम को लो, अर्जुन को लो, सबसे बड़े धनुर्धर, सबसे बड़े गदाधर, युधिष्ठिर, इतने बड़े धार्मिक नकुल, सहदेव, पांच पति की ओर देख रही है, परंतु पांचों ने द्रौपदी की कोई सहायता नहीं कर पाए. इन वन सेंस द फाइव हस्बैंड्स ऑफ द्रौपदी लेट द्रौपदी डाउन, बट द्रौपदी नेवर हेल्ड दैट अगेंस्ट. वो पूरे एपिसोड के बाद द्रौपदी ने कभी अपने पांचों पतियों को एक साथ या एक एक कर कभी उनको ताने नहीं मारे. अरे बड़े तुम बने, धनुर्धर बने फिरते हो,
उस समय क्या हुआ था, उस समय कहां था तुम्हारा धनुष भीम, इतने बड़ी गदा लेके घूमते हो, 10,000 हाथियों का बल लेके कहां था, कभी ताने नहीं मारे। इनफैक्ट महाभारत का ये जो एपिसोड है द्रौपदी के ऊपर जो असत सभा ने किया, उसमें दुर्योधन, द्रौपदी वो न्याय मांग रही है, वहां के वरिष्ठों से न्याय मांग रही है, तो दुर्योधन बोलता है एक शर्त पर मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारे पतियों को भी छोड़ दूंगा, तुम्हें भी छोड़ दूंगा, पब्लिकली तुम बोल दो कि युधिष्ठिर ने जो किया है इस जुए में वो अधर्म था, बोल दो, पब्लिकली बोल दो। तो दुर्योधन क्या करना चाह रहा था, डिवाइड एंड रूल, ही वॉज ट्राइंग टू प्ले वाइफ एंड हस्बैंड म्यूटिनी, उनके बीच में डिवाइड एंड रूल पैदा करना चाह। सोचो किसी के साथ ऐसा हो रहा है, उस समय क्रोध में बोल सकता था कोई, द्रौपदी अपने होशो हवास में थी, आक्रोश था परंतु होशो हवास में थी, द्रौपदी ने बोला बिल्कुल भी मेरे पति युधिष्ठिर महाराज ने गलती नहीं की है, वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति है और अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करते हुए यहां पर बैठे हैं, जिन वरिष्ठों ने युधिष्ठिर को इस जुए के लिए बुलाया है उनसे पूछो कि वो धर्म क्या है या अधर्म किया है उन्होंने। सो द्रौपदी ऑल्दो बिकेम अ विक्टिम बट शी नॉट ओनली फॉरगेव बट शी प्रोटेक्टेड द इमेज ऑफ द पांडवा। सो समटाइम्स, ये हम किस्सा क्यों सुना रहे हैं, समटाइम्स योर ओन फेलो गॉड ब्रदर और गॉड सिस्टर विल लेट यू डाउन जस्ट लाइक पांडवाज लेट द्रौपदी डाउन। तुम्हारे ही सबसे निकट के गुरु बंधु या गुरु भगिनी वो छोड़ देंगे तुम्हें तुम्हारी उस विकट परिस्थिति में। नो दैट कृष्णा इज ऑलवेज रेडी विद द सारी, कृष्णा इज ऑलवेज रेडी विद द सारी। देयरफॉर आई से व्हेन यू आर डाउन, सो डाउन इन योर लाइफ विथ नथिंग, नो दैट कृष्णा इज अप टू समथिंग। बट फिर भी कई लोग होंगे, अब यहां पर तो हम द्रौपदी और पांडवों की चर्चा कर रहे हैं, अब हमारे लेवल पर हम आए, न तो हम द्रौपदी हैं न जो हमारे साथ कर रहे हैं वो पांडव हैं। देयरफॉर सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेर एवर दे गो, सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेन एवर दे गो। So we have to decide which category we are in. Are we in the first category of people, they give happiness wherever they go, या उनके जाने के वजह से सभी खुश रहते हैं।